अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें। तो आइए जल्दी से अपनी ईद मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपने अपने फेस को क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, देन आपने स्टार्ट करना है अपना मेकअप। तो मेकअप करने से पहले मैं यहाँ पर लेंस वेयर करूँगी। लेंस से आपकी आँख बड़ी लगती है, आपके आई बाल जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं, तो मैं लेंस लगा लिए जी यहाँ अपनी दोनों आईज़ में। अब मैं अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज नेविया के इस केयर फेयरनेस विद SPF 15 से। अच्छे से मैंने अपने फेस पर इसको लगा लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ जी मिस रोज़ का ये प्राइमर। प्राइमर बहुत ही अच्छा है। जितनी मर्जी आपको स्वेटिंग हो, आपकी बेस कहीं नहीं जाएगी। इसकी जस्ट स्मॉल अमाउंट लेकर मैं इसे अपने फेस पे लगा लूँगी। अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो जाती है लगाने के बाद। देन मैं यहाँ ले रही हूँ बी क्यूट की स्टिक फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी। ये मेरा शेड है F1, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसे अपने आईज़ पर लगाऊंगी, आईज़ के नीचे ऊपर। देन मैं इसे कंसीलर की तरह लगा दूंगी, जहाँ से स्किन थोड़ी सी अनइवन होती है वहाँ इसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी होती है, और लाइट लाइट बाकी सब फेस पर अप्लाई कर लेनी है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मेरी फाउंडेशन अप्लाई हो चुकी है। अब मैं आती हूँ आईज़ की तरफ। आईज़ में सबसे पहले मैं आईब्रो फिल करूँगी, प्रॉपर शेप दे लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है पेंसिल, मिस रोज़ की है, 2-in-1। ये देखें, आईब्रोज़ करते ही आपको डिफरेंस नज़र आ गया। तो ये मेरी आईब्रोज़ रेडी हो गई। अब मैं आई शेडो पैलेट में से वाइट शेड लूँगी और अपनी आईज़ पर लगा लूँगी। देन मैं ब्राउनिश सा न्यूड सा शेड है, इसको लेकर अपनी क्रीज़ पर अप्लाई कर लूँगी। बिल्कुल क्रीज़ लाइन के ऊपर ऊपर अप्लाई करना है, इससे आईज़ आपकी बड़ी लगती हैं। ये देखें जी, अब मैंने क्या किया, ये मैंने पिंकिश सा शेड लिया है और अपनी फिंगर के साथ ही अपने आईलिड पर लगा लूँगी। ब्रश से मुझे इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती जितनी फिंगर से होती है, इसलिए मैं ले रही हूँ फिंगर से इसे अप्लाई करूँगी। देन मैं ब्रो बाउन पर हाईलाइटिंग करूँगी। अब मैं ग्लिटर लूँगी और ये मेरे ड्रेस में इस कलर का पर्ल वर्क है, तो मैं ये ग्लिटर अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। आई शेडोज़ का काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना लाइनर अप्लाई कर लूँगी। ये मेरे पास किस ब्यूटी का आईलाइनर है, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा लगता है आईज़ पर। अब जी मुझे चाहिए वाइट काजल, जो मैं अपनी आँख के अंदर लगाऊंगी। इससे क्या होता है कि इससे आँख बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत बड़ी ब्रॉड आईज़ लगती हैं इससे। अब मैं ये ब्राउनिश सा न्यूड सा शेड लेकर आँख के नीचे लगा लूँगी। एक्स्ट्रा शेड्स जो फेस के ऊपर गिर जाते हैं उनको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ इस तरह से, ये फ्लैट ब्रश से जी। आप मस्कारा अप्लाई करके आईलैशेस लगाऊंगी, तो ये हमारी लग गई जी आईलैशेस। ये देखें कितनी अच्छी आंखें लग रही हैं। अब जी हमारी आईज़ रेडी हो गई हैं। अब ये मैं पिंक कलर का ब्लशर लेकर चीक्स पर, नोज़ पर, चिन पर मैं ब्लशिंग कर दूंगी और ये लिक्विड हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। लास्ट में लाइट सा जो है वो न्यूड सा लिप कलर अप्लाई कर लूंगी, बहुत ही पसंद है मुझे ये कलर। तो ये जी है मेरी फाइनल लुक, ये देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।